फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वाली भिंडी बिल्कुल अलग तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम भिंडी ली है, इन्हें धोकर सुखा लिया है। भिंडी के दोनों साइड को कट करना है और बीच में इस तरह से कट करना है। दो भाग नहीं करने हैं, सिर्फ कट ही लगाना है। मैंने इस तरह से सारी भिंडी कट कर ली है। मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर देख सकते हैं कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें भिंडी डालकर फ्राई करना है। मैंने भिंडी को एक बार मिला लिया है। अब भिंडी पर 1/4 टीस्पून नमक डालकर मिक्स करना है। अब इन्हें 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब इन्हें बाहर निकालना है। भिंडी फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा ज्यादा ही लिया था, 1 चम्मच तेल मैंने वापस निकाल लिया है। तेल पहले से गर्म है तो अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन और 2 बारीक कटी प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट पकाना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक भिंडी में डाला हुआ है तो देखकर ही डालना है। अब इसी में 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि प्याज और मसाले अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिक्स करना है और इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पर बीच बीच में मिक्स करते रहना है ताकि मसाले कढ़ाई से चिपके नहीं। लगभग 4 मिनट हो गई है। अब इसमें 200 ml फेंटा हुआ दही डालकर उबाल आने तक मिलाते रहना है। लगातार ना मिलाने पर दही फट जाता है जिससे सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। दही में उबाल आ गया है, अब इसमें तैयार भिंडी डालकर मिक्स करना है और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि दही और मसाले भिंडी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 3 मिनट हो गई है, अब इसे मिक्स करना है। अब फ्लेम बंद करनी है। बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करना है। दही वाली भिंडी तैयार है, आप भी जरूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।